हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरन भाई। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि खंड के बारे में। ये क्या होता है और इसमें कितनी शुगर होती है, इसके बारे में आज हम ज़रूर जानेंगे। खांडसारी सफ़ेद चीनी का एक अप्रसंस्कृत रूप है जो गाढ़े गन्ने के सिरप से बनाया जाता है। किसी भी ब्लीचिंग एजेंट या हानिकारक पदार्थों से मुक्त ये कच्चे गन्ने के रस को वाष्पित करके बनाया जाता है। ये अपने अनोखे स्वाद और हल्के भूरे रंग के लिए जाना जाता है जो गुड़ की उपस्थिति से आता है। देसी खंड कई आवश्यक खनिजों और विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन शामिल है। ये पोषक तत्व स्वास्थ्य, हड्डियाँ, रक्त और समग्र शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। देसी खंड ब्राउन शुगर और अन्य रिफाइंड शुगर का एक स्वास्थ्यवर्धक और बेहतर विकल्प है। देसी खंड को गन्ने के क्रिस्टल से न्यूनतम रूप से संसाधित किया जाता है। देसी खंड स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और इसे सल्फर के साथ संसाधित नहीं किया जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ एक वर्ष की होती है और ये पतंजलि फूड्स लिमिटेड का प्रोडक्ट है। क्या पतंजलि खंड शुद्ध है, इसके बारे में भी समझते हैं। पतंजलि खंड एक खांडसारी देसी चीनी है जिसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसे स्वच्छतापूर्वक संसाधित किया जाता है ताकि आप मिठास का बेहतरीन स्वाद महसूस कर सकें। चीनी का ये रूप भारतीय लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। चीनी और खंड में क्या अंतर है, ये भी यहाँ जानना जरूरी है। देसी खंड सफ़ेद चीनी की तुलना में कम संसाधित होता है, जिसका अर्थ है कि इसे व्यापक रासायनिक उपचारों से नहीं गुजारा जाता है। ये न्यूनतम प्रसंस्करण गन्ने में पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक पोषण तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है और शोधन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को जोड़ने से बचाता है। क्या मधुमेह रोगी खंड खा सकते हैं? शुद्ध देसी खंड को बढ़िया गन्ने से बनाया जाता है और इसे मिठाई बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ये स्वस्थ पाचन और शरीर में रक्त की स्वस्थ मात्रा को बहाल करने के लिए फायदेमंद है। नियमित चीनी से देसी खंड पर स्विच करना मधुमेह, जोड़ों के दर्द और यहाँ तक कि वजन घटाने में भी मददगार हो सकता है। खंड खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी यहाँ जानना जरूरी है। खंड चीनी से कम मीठा होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम, खनिज, फाइबर, आयरन, विटामिन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। खंड में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसका सेवन करने से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पतंजलि खंड के बारे में बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।